हेलो गाइस रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली फाइव मिनट्स में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बिहार पी जे और ए दोनों के लिए फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन स्कोरिंग सब्जेक्ट है फोर्टी मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन आता है एंड गाइज पी जे में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अच्छे से कवर कर लें फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड बिलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवाइ एंड टू द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड और एनवामेंट की बात की गई है फोर्टी एट एम करेक्ट आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री की बात की गई है फोर्टी एट में करेक्ट आंसर हो जाएगा सी द प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स हैज बीन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी इजी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल फोर्टी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट ए गांधीयन प्रिंसिपल A. The state shall take steps to organize village panchayats. The state shall endeavor to promote cottage industries. C. The state shall take steps for preservation and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and other cattle. D. The state shall endeavor to secure a uniform civil code throughout the territory of India. Correct answer, Ujayagar. D. Next question. A. Article 43A, which deals with the participation of workers in management of industries, was added in the Constitution by? Of 43A, insert kiya gaya tha 42nd Amendment ke dwara Correct answer is C. Which one of the following is Directive Principle of State Policy? Right to Education Right to Property Right to move Supreme Court to organize village panchayats. Correct answer is D. Next question is: Which of the following amendments of the Constitution gave priority to the directive principles of state policy over fundamental rights? 40th amendment, forty-second, forty-fifth, thirty-eighth. Correct answer is forty-second amendment. Next question is. विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिविंग वेजिस फॉर वर्कर्स सेपरेशन ऑफ जुडिश्री फ्राम एग्जीक्यूटिव एबॉलिशन ऑफ अनटचलिटी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स ए बी और डी तीनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है एबॉलिशन ऑफ अन टचलिटी ये है फंडामेंटल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन है

पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज टू टेक स्टेप फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिश्री फ्रॉम लेजिस्लेचर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ओनली सोशल जस्टिस ओनली इकोनॉमिक जस्टिस बोथ ऑफ द एबव मैन ऑफ द एबव ए और बी दोनों सही हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बोथ ऑफ द एबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैं इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बी सी डी तीनों करेक्ट हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फ्रेंड्स नॉट के क्वेश्चन को अंडरलाइन जरूर कर लें गलत नहीं होना चाहिए एंड गाइस डेली अनसॉल्व सॉल्व करिएगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है अगर आप डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी करते हैं तो फ्रेंड्स आपके लगभग सिलेबस से कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाते हैं कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में थैंक यू गाइज बाय बाय शेयर विद ऑल